मेन मुद्दा हमारे देश के बेरोजगारी, किसानों की जो है वो आमदनी बंद करके मजबूरी के किराए पर चला गया, धीरे चला गया। किस पार्टी से प्रत्याशी हैं? सर बता दीजिए, लोकसभा 57 लोकसभा से प्रत्याशी है, समाजवादी पार्टी से कसर के लोकसभा से। किन मुद्दों पर इस बार आप जो है चुनाव लड़ने वाले हैं? देश के सारे मुद्दे आज की तारीख में, किसानों की दुर्नौकरी, नौजवानों की बेरोजगारी, देश में भ्रष्टाचार, देश को बेचने का मुद्दा, सारे मुद्दा देश में इतने ज्वलंत है, केवल कारपोरेट जगत को ही पूरे देश का खजाना सौंप देना, ये सबसे बड़े मुद्दा है जो हमारे पूरे देश में। कैसरगंज क्या प्रमुख मुद्दा है? कैसर जो सारे देश की मुद्दा है वही कैसरगंज की मुद्दा है, कोई हमारे देश में कहीं कोई मुद्दे में फर्क नहीं, उत्तर प्रदेश के सारे मुद्दे। हम आपको बता दें, कैसरगंज में मेरी जो भी गरीब है, जो किसान है, जिनके ऊपर जो है अत्याचार हो रहा है, जिनको वाजिब मूल्य, आईडी पे ध्यान दो, जिनको वाजिब मूल्य नहीं मिल रहा है, उनको सारे किसानों की जितनी भी दशाएं, मैं आपको बता दूं, मैं 1994 में देश के किसानों को लागत मूल्य दिलाने के लिए, मैं हिंदुस्तान का पहला आदमी हूँ लागत मूल्य दिलाने के लिए, मैं सुप्रीम बीजेपी का नारा है इस बार 400 पार, क्या कहना है सरकार? बीजेपी तो कहते 600 पार, नेपाल से भी कुछ सीटें ला सकते हैं, ये तो कहने की बात हुई, अपने आप जवान से कह देना कि 400 पार, ये बड़ी बात होती है, अनर्गल जो है वो बढ़ करके नहीं बोलना चाहिए। आपके फाइट कितने है कहाँ पे, आपकी लड़ाई कैसे? पूरे कैसरगंज में लड़ाई समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी अलायंस की, पूरे देश में अलायंस हुई दो लोगों के बीच में। दबदबा का मुकाबला आप कर पाएंगे? देखिए दबदबा कोई चीजें नहीं है भैया, दबदबा अपने आप इसको कहना, मैं दबदबा नहीं, मैं जनता को अगर कोई दबदबा आप बता रहे हैं समर्थक कर रहे हैं उनके समर्थक, दबदबा है क्या हम लोगों को समझ में?